भाई सभी बात है, और खुशी की बात यह है कि भाई करवा चौथ का जो त्योहार आया है और हर कोई इसे अच्छे तरीके से मना रहा है। हमारी भाभियां बेचारी भाई जो है वो कल से लगे हुए हैं। कल हमने देखा किस तरीके से भाभियां बेचारी मेहंदी लगवा रही थी और भाई जो है बेचारे वो एक एक घंटा दो दो घंटा इंतजार कर रहे थे, लाइनों में खड़े थे, उनका एक एक घंटा खड़े होकर के मेहंदी लगवा रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे भाई। सच्चा वाला प्यार कल हमने देखा, और इसके अलावा उनको खूब खिला पिला रहे थे कि भाई आप खा लो, कल आपका व्रत है। और बेचारी भाभियां आज सुबह से ही जो है कुछ भी खाए पिए बिना बैठी हैं, और कई भाभियां जो सुबह 4 बजे के आसपास कुछ खा पी लिया और अब जो है पूरा दिन बेचारी उपवास रख रही हैं। तो भाई अब उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि अब जिस तरीके से पुजारियों ने बताया है, पुरोहितों ने बताया है कि भाई अब कुछ ही देर रह गई है, कुछ ही क्षण बाद जो है चंद्रदेव के दर्शन आपको होने वाले हैं, चांद दर्शन आपको होंगे, करवा चौथ के चांद दर्शन होंगे। लगभग 7 बज चुके हैं और जैसा कि पुरोहितों ने पंडितों ने बताया कि भाई 7 बजे से लेके और 9 बजे के बीच आपको चंद्रमा के दर्शन होंगे। वहीं पर मैं बात करूं तो दिल्ली में लगभग 8:15 बजे के करीब होंगे और पूरे भारतवर्ष में लगभग 7:30 से शुरू होकर के 9 बजे तक जो है आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल चांद मौसम भी जो है काफी सुहावना हो चुका है और ये चंद्र दर्शन आपको पूर्व और उत्तर कोने में होंगे, यानी इधर इस कोने में होंगे। भाई फिलहाल ये बिल्डिंग अड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता, अब कुछ ही देर में आपको चंद्रमा के दर्शन होने वाले हैं। तो भाई तैयार हो जाइए, सभी भाभियां जो है जो लगातार इंतजार कर रही थी उनकी इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है, कुछ ही क्षण में आपको चांद के दर्शन होने वाले हैं। तो भाई अपनी थाली जो है वो तैयार कर लीजिए, जिसके अंदर आप रोड़ी मोड़ी चावल वगैरह जो भी रखते हैं, पूजा का सामान दीपक रखते हैं, छालनी रखते हैं, कलश रखते हैं, जो भी रखते हैं। और भाभी भाइयों को भी बुला लीजिए कि भाई फटाफट आप आ जाइए, दुकान पर है तो दुकान बढ़ाइए, फटाफट बिजनेस पे है तो बिजनेस में जल्दी आ जाइए। और क्योंकि भाई अभी जो है चांद निकलने वाला है और चांद को अर्घ दे करके व्रत खुलने का समय हो चुका है, तो भाई फटाफट मेरे भाइयों से भी कहूंगा भाई जिस भी बिजनेस में हो फटाफट आप पहुंच जाइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही चांद के दर्शन होंगे। और जो भाई हमारी भाभियों को अक्सर पानी पिलाकर उनका व्रत खुलवाते हैं, तो भाई वो भाभियों को ज्यादा इंतजार ना करवाएं, क्योंकि किसी भी टाइम चांद के जो है दर्शन आपको होने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच बीच में ही जो आपको चांद के दर्शन हो जाएंगे। अब करवा चौथ के व्रत के लिए कहा जाता है, कई बार ये कहा जा रहा है कि भाई शिव जी और पार्वती जी के लिए प्रेम के लिए जो है वो उन्होंने पार्वती जी ने रखा। कई एक कहावत और भी है कि सावित्री जी ने जो है अपने पति के लिए उसके यमराज से प्राण बचाए थे तो उस दौरान भी ये व्रत रखा। एक दो कहावतें ऐसी भी हैं कि पूर्व काल में जिस तरीके से अर्जुन की रक्षा के लिए जो है सतयुग में वहां पर भी जो है द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भाई वो बाहर बाहर गए हैं तो उनकी रक्षा के लिए जैसे भगवान पार्वती ने शिव भगवान के लिए व्रत रखा वैसे आप व्रत रखिए। तो ऐसी कई कथाएं जो है प्रचलित है, तो भाई उस तरह की कथाएं जो है प्रचलित हैं। और फाइनली मैं आपको बता देता हूँ चांद के दर्शन आपको होने वाले, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको कुछ ही क्षण में आपको चांद के दर्शन होने वाले हैं और इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, दबा के शेयर कर दीजिए। और मैं आपको बता देता हूं भाई 7 बजे से 9 बजे के बीच में आपको चांद के दर्शन होंगे। एक लिस्ट भी हमें जो है मिली है, उस लिस्ट में भी क्या टाइमिंग है वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये लिस्ट आप देख लीजिए, ये जो टाइमिंग दी गई है इंटरनेट पर वो भी आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या टाइमिंग दी गई है। लगभग 7:15 बजे के करीब ये शुरू हो जाते हैं और ये आपको पूरे दिन अभी ये चांद के दर्शन होने वाले। तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए दबा के, और जो भाई बिजनेस में फटाफट पहुंच जाइए, क्योंकि भाभियां बेचारी सुबह से भूखी प्यासी आपकी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही हैं। और जिन्होंने गिफ्ट नहीं दिया ना, जिन भाइयों ने, मैं पहले भी कल वाली वीडियो में बताया कि भाई गिफ्ट जरूर देना वरना नाराज हो जाएंगी भाभियां, फटाफट उनके लिए बढ़िया सा गिफ्ट ले आइए। और सरप्राइज या तो आप सरप्राइज खोल दीजिए, जो भी सरप्राइज आप दे रहे थे, जो कई भाइयों ने कल कहा कि भाई सरप्राइज है वो भाभियों को देने वाले हैं। और जितने भी भाई और भाभी हैं वो कमेंट करके भी बताएं कि भाई भाई ने भाभी को क्या गिफ्ट दिया और भाभी को कौन सा गिफ्ट जो अच्छा लगा फेवरेट, सभी कमेंट भी करें भाई कैसा लगा और ये आपका करवा चौथ का त्योहार कैसा रहा वो भी कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपनी सेल्फी ली है, अपनी अच्छी फोटो ली है करवा चौथ की, वो भी आप हमारे चैनल पे भेज सकते हैं और अच्छी अच्छी फोटोज को हम चुन करके जो है चैनल पर लगाएंगे, ताकि हर जगह ये प्यार का सौहार्द का जो त्योहार है आपका वो उसके माध्यम से जो आपकी तस्वीरें हैं वो पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे।
भाई आपने किस तरीके से त्योहार मनाया, वो क्षण, वो प्रेम भरे क्षण जो है वो पूरे भारतवर्ष में दिखाने का प्रयास हमारा रहेगा। तो अपने वीडियो को शेयर करिए, दबा के शेयर कीजिए, कमेंट भी करिए, और जो जो गिफ्ट भैया ने दिया है ना वो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं दिया वो भी बता दीजिए, नहीं दिया है तो वो भी। और एक और बात, जिन भाइयों ने है ना वर्थ किया ना भाभियों के लिए, भाई वो भी बता दीजिए। कल मुझे पता लगा कि कई भाई जो है वर्थ करने वाले थे और आज उन्होंने किया भी है, कई भाइयों ने बेचारे ने सुबह से अनाज नहीं खाया, तो वो भी अब उनका भी वर्थ खुलने का टाइम हो रहा है, फटाफट जो है वो भी तैयारी कर लीजिए और पहुंच जाइए घर पे, देर मत कीजिए, घर पे पहुंच जाइए क्योंकि चांद निकलने वाला है और भाभियों की डांट पड़ने वाली है अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचे तो। और भाभियों से कहूंगा फटाफट फोन घुमाइए और भाई को बुलाइए, मैं तो फाइनली घर आ चुका हूं भाई, नीचे देख रहे हो कि घर है अपना और मैं पहुंच चुका हूं, और 10-15 मिनट के गैप के बाद फिर से वापस आऊंगा, एक वीडियो बना करके बाजार में वापस आऊंगा। तो फटाफट मैं कहूंगा भाई लोग आप भी पहुंच जाएं और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि 7 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में आपको चांद के दर्शन होने वाले हैं, लगभग 7:30 समथिंग, और अभी लगभग 7 से प्लस टाइम जो है वो हो चुका है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ ही क्षण में आपको चांद के दर्शन होंगे। धन्यवाद।